नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि आप एफआईआर का कॉपी ऑनलाइन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि अगर आप एफआईआर का कॉपी कैसे घर बैठे हुए किसी भी मोबाइल या लैपटॉप से या कोई भी ब्राउजर से कैसे आप जो कि एफआईआर का कॉपी जो कि डाउनलोड कर सकते हैं। कहीं से भी कभी भी किसी भी राज्य से आप हैं तो आप किसी भी राज्य का जो कि एफआईआर कॉपी जो कि घर बैठे हुए ऑनलाइन के माध्यम से आप निकाल कर देख सकते हैं। इसके लिए आपको जाने की कोई कहीं ज़रूरत नहीं है और कहीं आपको लेने की जरूरत नहीं है। तो आज मैं आपको पूरी बताऊंगा, डिटेल्स में बताऊंगा कि कैसे आप एफआईआर का कॉपी जो कि डाउनलोड कर सकते हैं। कैसा भी आपका केस हो, कैसा भी आपका जो कि मर्डर का है या कोई भी चीज़ का केस हो, या तो आप कैसे जो कि निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको कोई एक ब्राउजर खोलना है, जो कि हमने यहाँ ब्राउजर ये जो कि हमने यहाँ खोल रखा है, जिसका नाम है क्रोम ब्राउजर। और यहाँ आपको सर्च करना है बिहार पुलिस। ऐसे तो आप एफ आई आर भी ऐसे मतलब आप जो कि लिख सकते हैं और इसे भी सर्च कर सकते हैं, बट हम यहाँ से बिहार पुलिस डायरेक्टली यहाँ लिख के सर्च कर देंगे। इसी आप सर्च करते हैं तो यहाँ बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट रहते हैं, तो हमें नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है। तो थोड़ा हमें और नीचे आ जाना है। आने के बाद आपको मिल जाती है बिहार पुलिस। बिहार पुलिस का एक ऑप्शन मिलती है, तो आपको बिहार पुलिस वाले वेबसाइट पर ही क्लिक करना होगा। तो चलिए हम यहाँ से क्लिक कर देते हैं। जिसे ही क्लिक करते हैं तो हमारा अगला पेज खुलकर नेक्स्ट पेज खुलकर आ जाते हैं। यहाँ आपको बहुत सारे अलग अलग फीचर मिल जाते हैं, तो हम इन सब पर नहीं जाना है। थोड़ा सा हम आपको जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको बढ़िया से दिखेगा। यहाँ जिसे ही जूम करते हैं तो हम यहाँ लास्ट में आते हैं नीचे, तो आपको मिल जाती है, आप देख सकते हैं, व्यू एफआईआर स्टेटस। व्यू एफआईआर स्टेटस का एक ऑप्शन मिलती है, तो आपको इसी पर आपको टच कर देना होगा। जिसे हम टच करते हैं तो हमारा ओपन हो जाएगा एक न्यू पेज। चलिए हमने यहाँ फाइनली आ गया। आने के बाद हमारा जो कि खुल गया अगला पेज। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आप जिस जिला में रहते हैं यानी जिस जिला में आपका केस है, उस जिला का आपको यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद पुलिस स्टेशन, कौन सी आपका पुलिस स्टेशन में जो कि केस किया गया है, कौन सी पुलिस स्टेशन में आपका एफआईआर किया गया, किसने किया है, वो आपको वहाँ करना होगा। ये आपको यहाँ मिल जाती है कंप्लीटली नेम आपको मिल जाती है। उसके बाद एफआईआर आपको नंबर मिल जाती है, उससे भी आप निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको कंजुसेट नंबर से भी आप कंजुसेट नेम के भी आप नेम से भी निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको कंप्लीट नेम यहाँ आप डालना होगा आपको, और यहाँ आपको सर्च पर क्लिक कर देना होगा। आपको जब नीचे आप क्लिक करते हैं तो आपको किसने एफआईआर किया है तो उसका आप यहाँ नेम जो कि सिलेक्ट करके और यहाँ आप नाम डाल सकते हैं, और किसका मतलब कौन किया है आप ऊपर में जो कि क्लिक करके आप देख सकते हैं। और अगर आपके पास एफआईआर नंबर है तो आप एफआईआर वाले नंबर पर आप एथी वाले पर टिक लगाकर जो कि एफआईआर नंबर आप डालकर जो कि निकाल सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बार, जैसे मैं हम यहाँ एफआईआर नंबर पर यहाँ मैं टच कर देता हूँ, टिक लगा दिया ऑप्शन पर। उसके बाद आप नीचे आते हैं तो आपका जो कि कैसा केस नंबर होता है, केस नंबर देखिए आपका ऐसा होता है जैसे 123 और लास्ट में आपको 14 है, जिसे आपका कौन सी ईयर्स में केस हुआ है, कौन सी साल में, जैसे 2015, 16, 17, 18 या 2020 में, तो आपका यहाँ लास्ट लिखा होगा। इसी तरह आपको सारा चीज़ इस तरह से आपको इस वाले में डालना होगा। तो चलिए हम नाम से जो कि देखने वाले हैं, तो हम यहाँ नाम वाले पर हैं, ऊपर वाले पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद अपने जिला सेलेक्ट कर देना होगा। उसके बाद पुलिस स्टेशन, कौन सी पुलिस स्टेशन आपको यहाँ नाम डाल देना है। तो चलिए हम यहाँ किसी नाम से देखना चाहते हैं, यानी हम अपने नाम से देखना चाहते हैं, जैसे में हम यहाँ नाम डाल देते हैं राजकुमार। राज यहाँ कुमार डालने के बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद यहाँ आपको सर्च का ऑप्शन मिलती है, तो सर्च वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। सर्च वाले पर हम क्लिक कर देंगे, तो चलिए हम यहाँ सर्च वाले पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही सर्च वाले पर क्लिक करेंगे तो हमारा सारा डिटेल्स देखिए खुलकर जो कि आ चुका है। नीचे हम थोड़ा जूम करके आपको दिखाना चाहता हूँ, तो आपने देख सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सारा चीज़ आपको यहाँ मिल जाती है, जैसे में आपको सीरियल नंबर देखने के लिए मिल जाती है, एफआईआर नंबर देखने के लिए मिल जाती है, आपका कब एफआईआर हुआ है उसका आपको डेट देखने के लिए मिल जाती है, कम्प्लीटली आपको मिल जाती है। उसके बाद आप आते हैं तो आपको यहाँ एड्रेस देखने के लिए मिल जाती है, एड्रेस मिल जाती है। उसके बाद एडवोकेट यानी आपका कौन सी वकील है आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाती है, पुलिस स्टेशन कौन सी है आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाती है सारा चीज़, सिक्योरिटी इस तरह से मिल जाती है। फिर नीचे है ना, और स्क्रॉल करते हुए आ जाते हैं, आप कौन सी आपका जिला में जो कि ये केस हुआ वो भी आपको यहाँ मिल जाती है, इंडक्शन डेट आपको मिल जाती है। उसके बाद आपको कैसे आप इस एफआईआर कॉपी को जो कि डाउनलोड कर सकते हैं,
वो आपको सारा यहाँ से जो कि देख सकते हैं। वहाँ देखने के बाद डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाती है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ आपको FIR कैसे कॉपी डाउनलोड करना होगा तो हम आपको बताएंगे। इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। जिसे क्लिक करते हैं तो इसे अब हम PDF में डाउनलोड कर सकते हैं, हमारा जो कि अभी सर्चिंग ले रहा है। जिसे लेने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं तो अब ही हमें डाउनलोड करने का ऑप्शन आ गया, हमारा जो कि फाइनली डाउनलोड हो चुका है। PDF में हम क्लिक कर देंगे। जिसे क्लिक करते हैं तो हमारे ये देखिए FIR कॉपी जो कि आपको PDF में बन के आ जाती है। आप देख सकते हैं जो कि आप PDF में FIR कॉपी नक्शा देख सकते हैं, जो कि ये नक्शा है। आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या आपका जो कि केस किया गया है और क्या क्या लिखा गया है, जो कि आपके प्रति कौन सी मतलब धारा लगाया गया है, आपको सारा यहाँ से जो कि एक एक बारीकी से दिया हुआ है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और जिनका है देखिए, मतलब आपको यहाँ मोबाइल नंबर भी दे दिया गया है आपका, विश्वासी कौशल कुमार मोबाइल नंबर आपको यहाँ मिल जाती है। और यहाँ से आप उन्हें संपर्क भी कर सकते हैं, यानी देख सकते हैं जो भी आपका केस नंबर है। इस तरह से देखिए यहाँ केस नंबर कौन सी होता है, तो केस नंबर आपको यहाँ दिया हुआ है, आप यहाँ से केस नंबर देख सकते हैं। देखिए एक केस नंबर होता है जो कि आपको यह 354 है और 2021 में एक केस किया गया है जो कि। तो आप इसी तरह FIR कॉपी देख सकते हैं। तो हमारी दी जानकारी अगर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह हम अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक बाय बाय।